गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनामिका और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं शूट कर रही हूं ब्लॉग, मेरा ये पहला ब्लॉग है। आज हम लोग जाएंगे शॉपिंग के लिए और बहुत सारी इंटरेस्टिंग जगहों पे घूमने के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा हम लोग आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। तो चलिए, तो जो लोग मेरे YouTube चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो आगे देखने से पहले। तो चलिए, मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया कि आज हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, सरप्राइज है सबके लिए। और मैंने अभी अपना फेस मॉइस्चराइज किया है और टोनर लगाया हुआ है, तो अभी मैं थोड़ा रेडी होंगी। चलिए देखते हैं मैं रेडी कैसे होती हूँ, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, मैंने ड्रेस चेंज कर लिया और अब हम चलते हैं रेडी होने। तैयार होने के बाद ऐसे ही थोपड़ा हो जाएगा चेंज। यहाँ पे मैं अपनी मम्मी से बोल रही हूँ कि देखो मैं भूत बन गई हूँ और अब मैं अपनी आईब्रो फिल कर रही हूँ। तो गाइस, आपने देखा मैं थोड़ा सा रेडी हो गई, बहुत ज़्यादा मैंने रेडी होने का क्लिप नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो रिकॉर्ड होगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था। अब हो गया हम रेडी और हम अब जा रहे हैं शॉपिंग पे। चलिए चलते हैं। मैम, हम लोग ऑटो में बैठे हुए हैं और हम तीनों सिस्टर्स अब जा रहे हैं गोदौलिया मार्केट की तरफ। तो देखिए, हम गोदौलिया मार्केट में पहुंच चुके हैं अब, और ये है मेरी लिटिल सिस्टर, सबसे छोटी वाली, और ये है गोदौलिया मार्केट। और अब हम आ गए हैं दशाश्वमेध घाट पे। कितना सुंदर है ना नज़ारा यहाँ का, यहाँ पे बहुत सुकून है और बहुत ही अच्छा फील होगा आपको आके। ये मेरी दोनों सिस्टर्स आगे जा रही हैं, कितनी शांति है यहाँ पे। ये देखिए बोट है यहाँ पे सारी, ये आगे आगे भाग रही है। ये है मेरे बाद वाले सिस्टर, ये चाय ले रही थी हम लोगों के लिए, और अब हम चाय की चुस्कियाँ लेते हुए गंगा घाट का मज़ा ले रहे हैं। और हम तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि अब हम बहुत दिनों बाद अगर यहाँ पे आए हैं तो हम बोट में बैठ के गंगा जी के उस साइड जाएंगे और अपनी पिक्चर्स क्लिक कराएंगे। ये मेरी छोटी बहन ने सजेस्ट किया था, तो अब हम जा रहे हैं। ये देखिए आगे आगे जा रही है, ये हर चीज़ में आगे रहती है। कितनी सारी बोट है यहाँ पे, तो अब हम बोट में जा रहे हैं। और अब इसने मुझे अपना फ़ोन पकड़ा दिया कहीं गिर ना जाए। तो देखिए कितनी खूबसूरत सी जगह है ये, और यहाँ पे आने के बाद आगे जितना आप बढ़ते जाएंगे उतने ही सारे घाट मिलते जाएंगे आपको। ये देखिए बोट में बैठने के बाद कितना खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से घाट, और हम मज़े ले रहे हैं अपने बोट में बैठ के। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है ना, आप भी यहाँ पे ज़रूर से आएँ, बनारस आए तो, बनारस काशी जो भी बोल रहे हैं। और हम अब उस साइड पहुँच चुके हैं, देखिए रेत है कितनी सारी यहाँ, रेत में फ़ोटो क्लिक कराना बहुत ही अच्छा फ़ोटोज़ आती हैं। ये ऊँट है, ये देखिए पीछे हमारे हॉर्स है, इस पर आप राइडिंग कर सकते हैं। ये पीछे ऊँट भी बैठा हुआ है, इसकी भी आप सवारी कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं वापस। तो अब हम वापस जाने के लिए बैठ चुके हैं बोट में, देखिए। और इस टाइम पानी थोड़ा थोड़ा बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, इसीलिए हम तीनों ने अपने ऊपर स्टॉल लगाया हुआ है। ये वापस आने के बाद घाट की पिक है। उस साइड से हम लोग इस साइड आ चुके हैं, अब हम जाएंगे थोड़ा मार्केट में। तो चलते हैं मार्केट की तरफ। देखिए हम वापस आ गए गोदौलिया मार्केट में। गोदौलिया मार्केट से कुछ ही दूरी पर दशाश्वमेध घाट है, तो हम वापस आ गए हैं गोदौलिया मार्केट में। हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि पहले कहाँ जाएंगे। ये हाय कह रही है आप लोगों को। ये देखिए बृहस्पति देव का टेंपल है, ये सारी रोडें इस टाइम बन रही है यहाँ पे। और ये है हमारे बाबा विश्वनाथ जी, ये गली है, इसी गली से अंदर जाके बाबा विश्वनाथ जी का टेंपल है। और अब हम जा रहे हैं देखिए कुछ चीज़ें खरीदने। ये देखिए ये प्लेट्स कितनी खूबसूरत थी, हम इन्हें लेने के लिए गए हुए थे।
अब हम आगे चलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी है। ये रोड पे काम चल रहा है इसलिए ये सब रखा हुआ है आसपास। अब हम इयररिंग्स की शॉपिंग के लिए आ गए हैं। देखिए कितनी सुंदर सुंदर इयररिंग्स हैं, कलरफुल, कितनी प्यारी प्यारी झुमके हैं। देखिए छोटे छोटे भी हूप्स हैं। और यहाँ पे मैं अपने लिए इयररिंग्स पसंद कर रही हूँ। ये अंकल को पता था कि हम लोग इन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे भी झुमके हैं यहाँ पे, और मुझे ये झुमका बहुत पसंद आया तो मैंने इसमें का ही दूसरा कलर अपने लिए लिया है। मैं आपको आगे दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा था, कि अब हम इसको लेके आगे जा रहे हैं। अब हम चलते हैं, थोड़ा भूख लग गई है हम लोगों को, तो कुछ खाने पीने। हम लोग सुबह से ही निकले हुए हैं, मतलब सुबह से नहीं, फिर भी दोपहर से 3 बजे से निकले हुए हम लोग, इतनी रात हो गई घूमते घूमते। तो मैं बीच में जिद करने लगी मुझे फ़्लावर चाहिए, तो ये मेरी सिस्टर्स ने मुझे यहाँ पे फ़्लावर दिलाने के लिए लाया हुआ है। देखिए मुझे मिल गया, मुझे रोज़ बहुत पसंद है, तो उन्होंने हमें दिलाया, उन दोनों ने, कि मैं गुस्सा ना हूँ। अब हम जा रहे हैं PDR मॉल की तरफ। ये सारी चीज़ें पास पास में हैं, इसीलिए हम लोग पैदल चलते चलते घूमते फिरते निकल रहे हैं। तो अब हम PDR में जाएंगे, थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर आगे फिर जाएंगे जहाँ पे हमें काम है। तो ये है हमारा PDR मॉल, जो गदौलिया रास्ते में ही पड़ता है। देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है, यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, उनकी भी गाड़ियाँ आए हैं, और यहाँ पार्किंग में भी लोग अपनी 4 व्हीलर्स खड़ी कर देते हैं। तो यहाँ पे चेकिंग होगी और हम लोग अंदर जाएंगे। हम अंदर आ चुके हैं अब, और ये है डोमिनोज पिज़्ज़ा, जहाँ पे हम अब तीनों अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे। तो वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करने गई, तब तक हम बैठे हुए हैं, और छोटी वाली वो पीछे है, देखिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही है। हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है, इसको देखिए क्या कर रही है। तो अब हम गर्मा गर्म अपना पिज़्ज़ा खाएंगे, आप भी खा लीजिए, लीजिए। तो हमने पिज़्ज़ा यहाँ पे खाना स्टार्ट कर लिया, बहुत जल्दी दिखा रही हूँ ना। और अब हम जा रहे हैं फिर से मार्केट की तरफ। ये है नई सड़क, इसे नई सड़क का मार्केट कहते हैं, जो गुदौलिया से थोड़े ही पहले पड़ता है। ये नई सड़क है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के क्लोथ्स और सूट के कपड़े बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। अगर आप बनारस आएँ तो यहाँ पर ज़रूर से आएँ, क्योंकि यहाँ पे कपड़े बहुत ही अच्छे मिलते हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ के, और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। तो हम लोगों को बहुत रात हो चुकी है, देखिए आपको देख के भी लग रहा होगा कि रात का टाइम हो गया। तो यहाँ पे अब हम जा रहे हैं कुछ सामान लेने फिर से। देखिए सूट्स हैं कितने प्यारे प्यारे, और यहाँ पे भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करने देते हैं शॉप वाले, इसीलिए हम लोगों ने बहुत रिकॉर्ड नहीं किया, थोड़ा बहुत आपको क्लिप दिखा दे रही हूँ। ये भी कपड़े हैं, आप इनसे कुर्तियाँ बनवा सकते हैं अपने लिए, और सूट्स भी। ये दुपट्टा हम लोग ले रहे हैं मम्मी के लिए अपने, और अब हम घर आ चुके हैं। तो ये है हमारी रूह, जो कि कोई घूम के आता है तो उनको बहुत परेशान करती हैं, गुस्सा हो जाती हैं कि आप कहाँ गए थे। देखिए गुस्से में है, बहुत पूरे गुस्से में है। फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं, और ये मैंने नहीं, मेरी सिस्टर्स ने मेरे लिए रोज दिया है। देखिए अच्छा है ना। तो हम लोग वापस आ चुके हैं, और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है घर वापस आने में, तो अब हम सब बहुत थक चुके हैं। अब
फेस वॉश करते हैं और ड्रेस चेंज करते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।